हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं पूनम मुरादकर। आज जो हम करने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम डेली यानी हम हर बार करते हैं। आज हम जो हमारी ये पुरानी टी शर्ट है, ठीक है, इसको हमने टाई एंड डाई भी कर दिया है, इससे हम लोग एक छोटी बच्ची का पैंट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमको बस ये करना है, इसको हमको फोल्ड करना है। और अगर जब भी आप बच्चों के कपड़े बनाते हो तो ये ध्यान रखिए कि कपड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। हमको हमेशा कुछ भी बनाने के लिए, लाइक हम टॉप बनाते हैं, कुर्ती बनाते हैं, तो उसके लिए हमको फोर लेयर्स चाहिए रहती है, ठीक है, फैब्रिक की लेयर्स चाहिए रहती है। तो हमारी ये फोर लेयर्स आ चुकी है, तो हमने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने अभी फोल्ड कर दिए है हमारा जो टी शर्ट था। अब हमारी जो लेंथ है, हमको रिक्वायर्ड जो लेंथ चाहिए है वो 14 इंचेस बन के चाहिए। तो और नीचे से अगर आप देखोगे तो नीचे से हमको फोल्ड करने की जरूरत है नहीं, तो हमको नीचे से एक्सेस फैब्रिक यानी छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सिर्फ 14 इंचेस का मैंने लिया है, यहां तक अपना यानी टोटल हम लोग हाइट ले रहे हैं। अब जो है, जो बच्ची है उसका जो हिप है वो है 22 का। अभी फोर लेयर्स आप समझ रहे हो, तो 22 है, उसको हम फोर से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 5.5, ठीक है। ये हमारा हुआ 5.5। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब नीचे जो आपका क्रॉच लेंथ है वो आप कितना लोगे, जितना भी आपने ये लिया है, आपने 5.5 लिया, उसमें आपको 1 इंच और एक्स्ट्रा मिला लेना है। तो ये आपका आएगा 6.5, ये आपका आया 6.5। उसके बाद अब ये छोटी बच्ची है तो ये क्रॉस लेंथ में से हमको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता, लेकिन ये बच्ची छोटी है तो हम लोग इसके लिए सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ तक मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये हमारा पैंट ये लंबाई है, तो हमारा ये हमारा कर्व बना, ये इसको कर्व बना दिया आपने, देखिए। अब इसके बाद, अब ये जहां तक उनकी लेंथ आ रही है उसका हमको सर्कल लेना है, तो वो हमारा आ रहा है 8 इंचेस, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 इंचेस, उसका हाफ लिया मैंने। अब हमको क्या करना है, इन दोनों लाइन को जोड़ देना है ऐसे, इन दोनों लाइंस को हमने जोड़ दिए, ये दिख रहा है आपको। अब इसमें आपको एक्सेस फैब्रिक लेना है जो आपको स्टिचिंग के लिए लगेगा, ठीक है, यहां तक आपको समझ गया होगा। अब अगर आप नोट करोगे तो ये हमारा फोल्डेड पार्ट था। अब ये फोल्डेड पार्ट होने का हमारा यानी प्रॉफिट क्या है कि हमको यहाँ पे और सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो हर बार जैसे मैंने यहाँ पे 1 इंच मार्जिन छोड़ा या 0.25 इंच छोड़ा, तो मुझे यहाँ से छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये फोल्डेड है। जब आपको पॉकेट्स आगे जो सामने जो पॉकेट्स आते हैं, ऐसे जो तिरछा हाथ डालते हैं, अगर वो पॉकेट्स आपको नहीं बनाने हैं तो आप डायरेक्टली फोल्डेड पार्ट से आप शुरू कर सकते हो। फोल्डेड पार्ट मीन्स आपका साइड में आएगा। अब ये जो है इसमें हमको क्या करना है, अब इन शॉर्ट इसमें इलास्टिक ही लगेंगी, तो इलास्टिक के लिए हम लोग अलग से बेल्ट ना लगाते हुए इसी में बढ़ा देंगे। अब हम कितना बढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट यानी यहां से बढ़ा रहे हैं 2 इंच एक्स्ट्रा, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया और ये जितना था उतना। देखिए, तो हमारा मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्रॉस लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन जब आप इसको फोल्ड करोगे तो वो एग्जैक्ट आ जाएंगे। हमारा अभी हम लोग कटिंग कर लेते हैं। इलास्टिक डाल सकते हो, नाड़ा डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, कि जैसे छोटी बच्ची है तो हम लोग उसमें नाड़ा प्रिफर नहीं करेंगे। तो देखिए, जैसे ये आप ओपन करोगे तो आपके ऐसे 2 पार्ट्स बन गए, इसको आप ओपन कर दीजिए तो आपका ये ऐसे हो गया है। अब आपको इसको क्या करना है, इसको आपको पूरा ओपन करके रखना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि फ्रंट में दोनों, जैसे आपके इधर साइड का जो पैर है वो भी येल्लो और इधर साइड का भी येल्लो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे रखना पड़ेगा, ये फ्रंट पार्ट है, एक्सक्यूज मी, और सेम आपको इसको ऐसे रखना पड़ेगा। और आपको अभी स्टिच कहां से करना है ये ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट था जो हमने ये कर्व बनाया है, ये जो कर्व बना है आप उसको यहां से ऐसे स्टिच करोगे, बस आप इतना ही स्टिच करोगे दोनों तरफ से, आप यहां से इतना स्टिच करोगे,
अभी देखिए हमने यहाँ से और यहाँ से सिलाई लगा ली है, अब हम इसको ओपन ओपन कैसे करना है ऐसे। सी ये आपको थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि ये पैंट किस तरीके से बन रहा है। इसके बाद देखिए क्रॉस में ये करके देखते हैं। अब इसके बाद ये सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करना है और यहाँ से आपके पिंस आएंगे, बॉब पिंस आप लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है देखिए यहाँ पे आपको पिनअप करना है, उसके बाद आपको क्या करना है ये आपको अगर आपका ये छोटा बड़ा हो रहा है तो आप इसको कट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फैन बंद कर दूंगा, आवाज नहीं होती है, नॉइज़ है इसका। इसको आपको क्या करना है सी इसको छोटा सा फोल्ड करना है और उसके बाद ऐसे ठीक है बराबर सेंटर टू सेंटर फोल्ड आना चाहिए आपका। अब इसके अंदर आप इलास्टिक डाल सकते हो, तो हमको क्या करना है सब जगह से ये फोल्ड करेंगे हम लोग और ऐसा ठीक है। अब यहाँ से हमने पूरी तरीके से पिनअप कर दिया है, बंद करो ताकि प्रेस प्रेस बंद। अब यहाँ से आप प्रेस कर लीजिए तो आपको सिलाई में आसानी होगी। अभी हमने ये पूरे अच्छे से प्रेस कर दिया है तो आपको सिलाई में दिक्कत नहीं जाएगी। अभी आपको क्या करना है जो भी आपको यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, जहाँ से भी आप सिलाई शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने यहाँ से सिलाई लगाना शुरू किया तो आपको पूरा राउंड करते हुए यहाँ तक आना है। जब आप यहाँ पे आओगे तो इतना स्पेस उसको छोड़ देना है जिसके जिसमें से हम इलास्टिक डालने वाले, इलास्टिक डाल के फिर हम पैक करके फिर इसको सील करने वाले। तो आप फिलहाल के लिए यहाँ से स्टिच कर दीजिए एंड ये जो राउंड है उसको लेके यहाँ तक बस इतना आपको गैप बचा के रखें। अब यहाँ से हमने सिलाई कर ली है, यहाँ से भी हमने सिलाई कर ली है ठीक है। अब आपको जितना ही आपका वेस्ट है, जितना आपका हिप है, उस पे से हम लोग थोड़ा कम इलास्टिक लेंगे ठीक है। इस पे से हम थोड़ा कम, अगर आप देखोगे तो ये कम इलास्टिक है। अब इसमें मैंने एक तरफ पिन कर दिया है और ये जो हमने ओपन पार्ट रखा था इसमें से आपको अंदर डाल। अब यहाँ से हमने डाल के इसी जगह से निकाल लिया है ठीक है। अब ये जो है आप पहले इन दोनों को पिनअप कर दो, यानी आपका ये जो पिन है वो यानी आपका जो इलास्टिक है वो निकले ना, उसके बाद आपको क्या करना है इसको बराबर हर जगह एडजस्ट कर लेना है ठीक है। अब एडजस्ट करके आपको देख लेना है कि यह बराबर सीधा ही जा रहा है क्या, देखिए हर तरीके से कहीं से भी ट्विस्टेड नहीं है। तो ये जो आपका पार्ट है अब इसको आपको यहाँ से स्टिच कर लेना है एंड सेम इसको अपन अंदर डालेंगे। अभी के लिए मैं इसमें पिन कर देती हूँ, अंदर डालेंगे तो वो छूट जाएगा। तो हम लोग इसको अंदर डालेंगे एंड इसको हम लोग सील कर देंगे ठीक है। इस तरीके से हम इसको यहाँ से जो हमारा एक पार्ट छूटा था इसको पिनअप कर देंगे। देखिए हमारा ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है, बस हमको यहाँ पे एक स्टिच करना है
और बाकी हमारा पूरा पैंट रेडी। हम लोग स्टिच करते हैं और इसके बाद आपको बताते हैं कि ये बनने के बाद हमारा, अभी यहाँ पे पूरा सिलाई अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमने पूरा स्टिच कर लिया है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हमने पुरानी टी शर्ट से मिलकर बनाया था, तो अगर आप देखेंगे तो ये टाई एंड डाई भी जो है ये क्लासेस में ही किया था हमने, तो ये दो कलर में हमने पैंट बनाया है, येलो एंड ये है अलगी ग्रीन कलर जो होता है उस कलर में। तो ये बहुत ही इजी, अगर आपने देखा होगा तो इसे 5 मिनट लगेंगे आपको पैंट बनाने के लिए। और हमने देखिए ये नीचे की फोल्डिंग है उसको भी यूटिलाइज कर लिया है, तो हमको फोल्डिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक ये आपको समझा, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ओमन क्लासेस।